नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। कर्नाटक में प्रचार का शोर थम चुका है। कर्नाटक में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच कल होगा मतदान। देखेंगे क्या है मतदान की तैयारियां, साथ ही बताएंगे एक तरफ फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है तो दूसरी तरफ कुछ राज्य इसे कर रहे हैं बैन। क्यों आ रही है पसंद ये फिल्म लोगों को और क्यों हो रही है बैन, इस पर बात करेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का घमासान किसके लिए राहत और किसके लिए आफत बताएंगे। देश में जन सुरक्षा योजनाओं का 8 साल में क्या है बदलाव, साथ ही होगी देश दुनिया और खेल जगत की बाकी अन्य खबरें भी। लेकिन अभी सबसे पहले हेडलाइंस। कर्नाटक में कल होने वाले मतदान के लिए तैयारियां पूरी, मतदान केंद्रों तक पहुंची चुनावी टीमें। 224 सीटों पर सुबह 7 बजे से होगा मतदान। 5,31,00,000 से अधिक मतदाता 2,615 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। रक्षा अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए वीरों को सम्मान। वीरता पुरस्कार के तहत दिए गए 9 कीर्ति चक्र और 27 शौर्य चक्र। भारत दौरे पर आए इसराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने की विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से चर्चा। दोनों देशों के बीच जल तकनीक समेत 3 क्षेत्रों में हुए समझौते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरे मैत्री गेट का किया शिलान्यास। दोनों देशों के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही होगी सुनिश्चित। बीएसएफ की सुविधाओं के लिए 108 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का तोहफा। सीमा पर सुरक्षा और शांति बहाली में बीएसएफ की भूमिका की सराहना। मध्य प्रदेश के बाद यूपी में भी टैक्स फ्री हुई द केरल स्टोरी। पश्चिम बंगाल में फिल्म की पाबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला, तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। दिल्ली में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने देखी फिल्म। राजस्थान कांग्रेस में घमासान जारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे पर दिए बयान पर सचिन पायलट ने किया करारा वार। कहा लगता है गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे। 11 मई से 125 किलोमीटर की जन संघर्ष पदयात्रा निकालने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के खरगोन में दर्दनाक बस हादसे में गई 23 लोगों की जान, 20 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया दुख। मृतकों को पीएम राहत कोष से 2,00,000 और राज्य सरकार की ओर से 4,00,000 रुपए की सहायता का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का करेंगे दौरा। नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ब्रह्मकुमारी के शांतिवन परिसर का भी करेंगे दौरा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान हुए गिरफ्तार। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को किया अरेस्ट। इमरान की गिरफ्तारी पर पीटीआई ने देश भर में की विरोध प्रदर्शन की अपील। और सबसे पहले खबरें कर्नाटक के चुनावी समर से।
कर्नाटक में धुआंधार प्रचार के बाद अब 24 घंटे से भी कम समय बचा है मतदान के लिए। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है कर्नाटक के इस रण में। कर्नाटक में 38 साल से सरकार बदलने का रिवाज रहा है। कल होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता के नाम वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने जनता से वोट डालने की अपील की। ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि कर्नाटक में बुधवार को होने वाले मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से राज्य के तमाम मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य की सभी 224 सीटों के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। तमाम मतदान टीमें अपने अपने इलाके में पहुंच चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 10 मई के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लगभग 58,000 जो बूथ हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। 58,000 बूथ में से लगभग 30,000 बूथों पे हमारा वेबकास्टिंग होगा, सीधा जो है प्रसारण होगा। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो सीधा निगाह उस पर रखेंगे एक्चुअली। सो पहली बार जो है लगभग आधे से ज्यादा बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। बेहतर मतदाता अनुभव के लिए 1320 मतदान केंद्रों का प्रबंध महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें सखी बूथ कहा जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सखी बूथ भी बनाया गया, जिससे महिलाएं ज्यादा संख्या में घरों से निकले। सखी बूथ का मतलब यह है कि यहाँ पर जो मतदान कर्मी है सारी महिलाएं हैं। इससे एक संदेश जाता है आधी आबादी में महिलाओं में कि उनकी जो जिम्मेदारी है मतदान को लेकर, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और पीछे न रहें मतदान के अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को समझने में। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगहों पर मतदान कर्मी भी पहुंच चुके हैं। समय हम साउथ कन्नड़ के मेंगलुरु शहर में हैं और आपको बता दें कि ये पूरा इलाका कोस्टल एरिया में आता है और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 10 मई को वोटिंग होने वाली है और उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो ईवीएम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जो मतदाता है वो निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। अलग अलग जिलों में भी मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। 1775 बूथ प्लस 7 एक्सिलरी बूथ, ऑल द बूथ वी प्रिपेयर्ड विद अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी वी प्रिपेयर्ड एंड वी हैड अ 2 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन फ्रॉम लोकल बॉडीज एज वेल एज 2 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन बाय सेक्टर मजिस्ट्रेट आल्सो। हमारे 24 चेक पोस्ट जो है उधर सिक्योरिटी हमने बढ़ा दिया है और पूरा निगाह अपने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट से वो कर रहे हैं। हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के सेपरेट टीम्स बना के कई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलीगल जो लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर हम नज़र रखे हैं। हमारे पास जिले में ऑलरेडी 22 कंपनीज ऑफ सशस्त्र सीमा बल और अदर CAPF कंपनीज आज ऑलरेडी है। फिलहाल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है और अब बारी है मतदाताओं की कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आयशा, शैलेंद्र, नीरज, धीरज और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। और कर्नाटक में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन मतदान से जुड़ी कुछ और दिलचस्प जानकारियां भी आपको हम बताते हैं, जिसमें कर्नाटक चुनाव से जुड़े कुछ अहम तथ्यों में कुल सीटें 224 हैं जिन पर कल मतदान होने जा रहा है। एक चरण में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र हैं 58,282। साथ ही कुल मतदाता कर्नाटक में 5,31,00,000 से अधिक मतदाता हैं, जो कल कर्नाटक के एक तरह से एक चुनाव में अपनी भागीदारी करेंगे। पुरुष मतदाता 2,67,00,000 से ज्यादा है। महिला मतदाताओं की संख्या 2,64,00,000 है और युवा मतदाता 11,71,558 है। तो आप देख रहे हैं कि युवा मतदाताओं की संख्या भी बहुत ज्यादा है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा। इनकी संख्या 5,71,281 है। प्रवासी मतदाता भी 3,048 हैं। प्रवासी मतदाताओं के लिए भी कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। 80 वर्ष से अधिक के मतदाता
12,15,920 मतदाता 80 साल की उम्र से ज्यादा के हैं। साथ ही साथ कुछ और जानकारियां, थर्ड जेंडर के मतदाता, कर्नाटक चुनाव पहले चरण में जो मतदान होने जा रहा है 4,927 है, एक ही चरण का ये चुनाव है। दिव्यांग मतदाता 5,31,281 हैं। कुछ और तथ्य जो जुड़े हुए हैं मतदान से, कुल उम्मीदवार 2,615 हैं, इसमें भी पुरुष और महिला उम्मीदवारों की संख्या ये देखते हैं। हम जानते हैं कि महिला उम्मीदवारों की संख्या हमेशा पुरुषों की तुलना में कम रहती है, यहाँ पे भी यही है। 2,430 पुरुष उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार 184 हैं, थर्ड जेंडर के एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों में से संख्या देखते हैं दोनों ही पार्टियों की, भाजपा के 224 उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 223 और जेडीएस के 209 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला कल कर्नाटक की जनता करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के भी 209 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। हम जानते हैं आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था इस चुनाव में, निर्दलीय उम्मीदवार 918 है। प्रमुख उम्मीदवार देखते हैं उसमें कौन कौन से, तमाम वो नेता हैं जिनकी साख दांव पे होगी कल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई शिगांव से हैं, ये चुनावी मैदान में हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार पूर्व सीएम सिद्धरमैया वरुणा से चुनावी मैदान में रहेंगे। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी चन्नापटना से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार कनकपुरा से चुनावी मैदान में है। बीजेपी से कांग्रेस में आए जगदीश शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल से चुनावी मैदान में है। बीजेपी के विधायक जे प्रीतम गौड़ा हासन से हैं, वहीं परिवहन मंत्री बी श्रीरामुलु बिल्लारी से चुनावी मैदान में हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और उनके बेटे प्रियांग खड़गे चित्तपुर से चुनावी मैदान में हैं। तो ये एक तरह से ये तस्वीर दिखाई देती है, प्रमुख नेता तीनों ही पार्टियों के, जेडीएस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में, उसका भी ब्यौरा हमने आपको दिया, साथ ही तैयारियां भी बताई। और आइए एक बार बात करते हैं अपने संवाददाता आयशा खानम से भी, उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। साथ ही साथ जो इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान आयशा तमाम वो मुद्दे रहे जो उठे, चुनाव की शुरुआत, चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दे से हुई लेकिन देखते देखते अंत कहां जाके हुआ ये आप भी जानती हैं। बजरंग बली से लेकर एक तरह से जिस तरह के बैन की घोषणा पत्र में कांग्रेस ने की, पूरे चुनाव में मुद्दों के लिहाज से कैसा देखती हैं इस चुनाव को आप? ये देखिए बहुत ही दिलचस्प चुनाव प्रचार रहा इस बार, और ये पहली बार है कि कर्नाटक में चुनाव की जो पिच है, जो पोल पिच है, कैंपेनिंग पिच है, बहुत ही हाई डेसिबल रही और बहुत ही तेज धार की कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से देखने को मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के स्टार कैंपेनर थे, उन्होंने एज ए स्टार कैंपेनर उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक के चप्पे चप्पे को उन्होंने अपनी पहुंच दिखाई, वहां तक पहुंचे और हर पब्लिक रैली और हर रोड शो में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे। और ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जो है लगभग यहाँ की चुनावी जो दिशा है, जो चुनावी दशा जो होने वाली है, ये तमाम चीजें बदल कर रख दी। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का चुनाव रहा। और खास बात ये भी है कि ये पहला चुनाव है जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति यानी व्यक्ति या समुदाय पर निर्भर नहीं है। बीजेपी ने लिंगायत समुदाय की बात, हम हमेशा कर्नाटक का चुनाव होता है तो बात सबसे पहले लिंगायत और वोक्कलिगा की होती है कि वोक्कलिगा और लिंगायत किधर वोट करेंगे, लेकिन इस चुनाव में ये ज्यादा दिखाई नहीं दिया क्योंकि बीजेपी ने तमाम जाति के लोगों को, तमाम वर्ग के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया और बीजेपी ने कई सारे फेरबदल किए लिस्ट में, तो बहुत कुछ नया देखने को मिला इस चुनाव में। और बीजेपी ने अपनी तरफ से कोई मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान भी नहीं किया, तो ये बहुत ही दिलचस्प चुनावी कैंपेन रहा। और कांग्रेस अपनी तरफ से जो गारंटीज की बात लेकर आई, कांग्रेस 5 गारंटीज की बात लेकर आई, और राहुल गांधी ने दरअसल शुरू में उन्होंने अच्छी शुरुआत की थी और भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई थी कर्नाटक में वो कुछ हद तक चली, लेकिन बाद में राहुल गांधी का जो प्रचार है कुछ हद तक फीका पड़ा। लेकिन प्रियंका गांधी जहां जहां जाती थी वो भारी मात्रा में, लाखों की संख्या में
लोगों को जुटाती थी। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये वोटों में बदल सकता है, क्योंकि लोगों में एक जिज्ञासा थी कि गांधी परिवार से दो लोग कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, कौन है ये लोग, उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे थे। तो ये बहुत ही दिलचस्प रहा कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब चुनाव जब कल लोग मत डालने जाएंगे तो लोगों के मन में कई सवाल हैं। अब लोग यही देखना चाहते हैं कि कर्नाटक में एक स्थिर सरकार देने वाली पार्टी को चुना जाए। देखिए, चाहे वो मतदाता हो या फिर मीडिया भी हो, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि एक दल को बहुमत मिले और जो भी स्थिर सरकार बनाए उसको बहुमत मिले, क्योंकि बाद में जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति कर्नाटक में होती है ये काफी असहनीय होती है लोगों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। तो यही मानकर चल रहे हैं लोग कि एक स्थिर सरकार, और जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि बीजेपी है भरोसे और बीजेपी ने डबल इंजन की बात की, डबल इंजन का वादा किया, तो लोग विचार कर रहे हैं, गौर कर रहे हैं इस पूरे प्रचार को लेकर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग ने सख्ती बरती इस पूरे चुनाव की तैयारियों के लिए, चुनाव आयोग की सराहना करनी बहुत जरूरी है यहाँ पर ऋतु, क्योंकि चुनाव आयोग ने जब तेज धार प्रचार चल रहा था पूरे राज्य में तो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा था और करीब 375 करोड़ रुपए के जो अवैध नकद रुपए हैं, कैश है, इसे जब्त किया है। और कई सारे जो आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं चुनाव के दौरान, चाहे वो कुकर हो, चाहे फ्राइंग पैन हो और सिलाई मशीनें हो, कई चीजें जो वोटर्स को लुभाने के लिए दिए जाने वाली थी, ये तमाम चीजें जब्त की है। तो ये चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार के चुनाव में करीब 4 गुना ज्यादा जब्ती की गई है तमाम चीजें। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि कर्नाटक में फ्री एंड फेयर पोल्स हो, किसी भी तरह से मतदाताओं को लुभाया ना जाए, किसी भी तरह से मतदाताओं को डराया ना जाए। ये तमाम चीजें चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। अब कल देखना दिलचस्प होगा, खासकर ये भी बात दिलचस्प चुनाव आयोग यहाँ के स्टेट सीईओ ने बताया कि बैंगलोर के मतदाताओं को मत बूथों तक लाने के लिए बहुत दिलचस्प तरीके से मत बूथ को तैयार किए गए, थीम बूथ बनाए जा रहे हैं। यानी थीम बूथ कर्नाटक की कल्चर, कर्नाटक का इतिहास, यक्षगान हो, कर्नाटक की पहनावा हो या फिर खाने हो, कुजीन हो, ये तमाम चीजें एक एक बूथ का थीम बनता जा रहा है। तो ये बहुत ही दिलचस्प तरीके से, और खास बात ये भी है कि युवाओं के लिए विशेष बूथ बनाए गए हैं और युवाओं को पार्किंग की फैसिलिटी देने की बात कही जा रही है। देखिए, बैंगलोर के लोग बहुत बेसब्रे होते हैं, जहां पर पार्किंग नहीं मिली वो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये समस्या है, इस समस्या को देखते हुए आयशा, ये समस्या बैंगलोर के वोटर्स के, जी आयशा, ये समस्या बैंगलोर के वोटर्स के साथ नहीं, ये शहरी मतदाताओं की एक ऐसी समस्या है जिसके साथ लगातार चुनाव आयोग जूझ रहा है, नए प्रयोग करता है और पिछले कुछ सालों की तुलना में उस संख्या में एक तरह से बढ़ोतरी हुई है कि शहरी मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग लगातार इस बात का प्रयास करता है। और कल भी देखना दिलचस्प होगा कि बैंगलोर की शहरी मतदाता या कर्नाटक का शहरी मतदाता कितना अपने घरों से बाहर निकलता है। और यही वजह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की है कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आयशा इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाए, आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है।
तुझे क्या हुआ है? शादी हो गई ना। महीने में एक बार तो मिलना चाहिए। हाँ, मेरे बाप की एयरलाइंस है ना। अरे तीन महीने में एक बार तो मिल सकते हैं। करेक्ट, पर कहाँ? इधर मेरे घर। तुझे कोई परमानेंट लैंडलॉर्ड मिल जाए क्या? परमानेंट लैंडलेडी। प्रिया ने कहा हर महीने किराया देने से अच्छा है अपनी ईएमआई भरो। तो हम किराएदार से मकान मालिक बन गए। मतलब ये घर तुम लोग का है? सच्ची? बट सीरियसली गाइस, किश्तों से रिश्ता जोड़ो, किराया तो पराया होता है। आसान किश्तों में होम लोन्स, बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. केरल में धर्मांतरण के बाद आतंकी संगठन में शामिल होने वाली महिलाओं की कहानी बताती द केरल स्टोरी। एक तरफ हर दिन मुनाफा कमा रही है तो दूसरी तरफ कुछ राज्य अपने यहां इस फिल्म को बैन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाने के बाद कहा कि सरकार को ऐसी आशंका थी कि इस फिल्म को दिखाने से वहां हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। सवाल यह है कि इस फिल्म को देखने या दिखाने से किसके हिंसक होने का डर है ममता बनर्जी को? द केरल स्टोरी फिल्म पर पाबंदी, बयान और विवाद का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक हटाए जाने की मांग की गई है। वहीं एक अन्य याचिका बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, जिस पर 15 मई को सुनवाई होगी। दूसरी ओर फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करना समझ से परे है। आप अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हो तो मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, मैं तो एक फिल्म मेकर हूं, मैं एक फिल्म बना सकता हूं। आप उसको देखोगे या नहीं देखोगे ये आप लोग खुद डिसाइड करो ना। यहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए, लोग डिसाइड करेंगे देखेंगे या नहीं देखेंगे। कोलकाता में 4 दिन फिल्म कोई हंगामा नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, अचानक दीदी को लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। वहीं भाजपा को ममता बनर्जी पर राजनीतिक हमला करने का भरपूर मौका मिल गया। पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, अवैध घुसपैठ करने वालों को शरण देने और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। यहाँ की जो राजनीति चलती है, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से रोहिंगा और घसपेटिया आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में एक बड़ा समस्या है, दुनिया भर की जो समस्या है टेररिज्म को, उस पर जो फिल्म बना है और लड़कियों को बड़ा फुसका करके राष्ट्रविरोधी काम में लगाया जा रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो सबको देखने की इच्छा है। तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ टैक्स फ्री करते हैं, यहाँ की सरकार उसको बंद करके सच्चाई को दबाने की प्रयास कर रही है। इधर द केरल स्टोरी निर्माण से जुड़े लोगों ने अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन आने की बात भी कही है। फिल्म क्रू ने मुंबई में सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोधा से मुलाकात की, मंत्री ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। ये टैक्स फ्री हो चुका, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के माध्यम से इस फिल्म को ना देख पाएं, इसलिए वो प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत गलतफहमी में है देश। इधर दिल्ली में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चाणक्यपुरी के एक सिनेमा घर में फिल्म देखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि क्यों ममता बनर्जी को फिल्म पसंद नहीं आ रही है। दरअसल फिल्म की कहानी धर्मांतरण और लव जिहाद के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसे में कई विपक्षी दल फिल्म को एक वर्ग को कमजोर करने वाला करार देकर उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेक पोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का शिलान्यास और सीमा सुरक्षा बल की 108 करोड़ रुपए कीमत की 7 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की सराहना की, कहा कि हमारी सीमा सुरक्षा
नीति स्पष्ट है। हम सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। सीमा क्षेत्रों के गांवों में देश के बाकी गांवों की तरह कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं पहुंचें और गांव की कनेक्टिविटी अच्छी करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। पंद्रह हजार किलोमीटर की हमारी भूमि सीमा 7 देशों को छूती है और साउथ एशिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध और व्यापार के रिश्ते मजबूत हो, इसके लिए मोदी जी के शासन में आने के बाद हमने नई नीति बनाई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रविन्द्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाह ने इस दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति से जुड़ी पुरानी तस्वीरों और टैगोर से जुड़े सामान का अवलोकन भी किया। गृहमंत्री फिल्म ल्यूमिनरीज ऑफ बंगाल रिलीज करने के साथ कोलकाता के साइंस सिटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह साइंस सिटी ऑडिटोरियम में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में भागीदारी की, साथ ही साथ पिछले 2 महीनों में अमित शाह की यह दूसरी पश्चिम बंगाल यात्रा है। मणिपुर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। राज्य में हिंसा की घटना रुकने के बाद कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, तो साथ ही दूसरे राज्यों के लोगों की निकासी का काम भी जारी है। मणिपुर में सामान्य स्थिति अब धीरे धीरे बहाल हो रही है, क्योंकि राज्य में फिलहाल हिंसा की कोई नई घटना सामने नहीं आई है। राज्य सरकार ने अधिकांश जिलों में कर्फ्यू में ढील दे दी है। बाजार में आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। हालात तो धीरे धीरे ठीक हो रही है। आज मतलब आज 2 घंटे का दिया है, आज कल दिया था 2 घंटे का, आज दिया 3 घंटा, कल आज दिए, कल और 1 घंटा बढ़ाएगा। तो हालात धीरे धीरे थोड़ा ठीक होगा लग रहा बाजार के। अभी फिलहाल तो सब्जी वगैरह हो गया या चावल दाल जो भी है एसेंशियल घर की सामान जो है इसी में सबसे ज्यादा भीड़ है, तो जो जरूरत की सामान है अभी वही बिक रही है। मणिपुर में सेना और आसाम राइफल्स के जवान मानव रहित हवाई वाहन यूएवी और हेलीकॉप्टर से हवाई निगरानी कर रहे हैं। सेना और असम राइफल्स ने हालात को सामान्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुरक्षा बल फंसे हुए लोगों को निकालकर राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं। The transit relief camp which you are seeing right now is open in the sports facility here. It is more of a temporary camp. यहाँ पे we have here people who have been stranded in Chuchanpur districts, district and then Technopal district and Kampupi, they have been brought here. We have been providing them fooding, lodging and then medical care. इस बीच बचाव और निकासी का काम जारी है। मणिपुर में पढ़ रहे तमाम राज्यों के सुरक्षित निकाले गए छात्रों में से कुछ छात्र दिल्ली, कुछ मुंबई, कुछ हैदराबाद तो कुछ सिलीगुड़ी पहुंचे, जहां से उन्हें उनके घरों के लिए रवाना किया गया। हम लोगों के क्योंकि पता चल गया था, हम लोग उतना सेफ महसूस कर तो रहे थे, पता था कि सेफ है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि हम निकल जाएं। 2 दिन जब हम लोग कांटेक्ट में थे तब थोड़ा स्ट्रेस था, लेकिन अब ठीक है। मणिपुर में 2-3 दिन पहले जब सिचुएशन शुरू हुई थी जब तो काफ़ी ख़राब हालात थे, पर अब रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह आ गई हैं तो हालात बहुत हद तक बेहतर हुए हैं। हमारे कॉलेज ने भी हमारी पूरी सहायता करी, हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम तक पहुँचाई गई। सरकार की ओर से 24 घंटे के अंदर हमारी फ़्लाइट टिकटें बुक हो गई और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम यहाँ हैं। राज्य सरकार लगातार लोगों से शांति की अपील कर रही है। मणिपुर के हालात अब काफी इम्प्रूव हो गई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तनाव की परिस्थितियां ऐसे इन जनरल नहीं है, लेकिन कुछ फ्रिंज इलाके में और कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ खबरें आती हैं, उन खबरों में भी ज्यादातर र्यूमर होती हैं। जहां तक आज हमारी 2 एक्सरसाइज बड़ी चल रही है, एक एक्सरसाइज है कि आर्म्स रिकवरी, जितने आर्म्स लूटे गए हैं उनको वापस लाया जाए। कल आर्म्स की फिगर जो थी 215 थी, आज आर्म्स की फिगर अभी करीब 222 हो गई है और विभिन्न इलाकों में उसके लिए सर्च चल रही है। दूसरी बड़ी एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही है जिसमें कि जो लोग विभिन्न कैंपों में स्टैंडर्ड थे, रुके हुए थे, उनको सबको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर उनको अपने आप जा सकते हैं तो हम उस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अपने घर जा सकें। गौरतलब है कि 3 मई से राज्य में शुरू हुई हिंसा के चलते बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान हुआ है। राज्य की स्थिति अब भी संवेदनशील बनी हुई है, हालांकि अब कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5500 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ब्रह्मकुमारीज में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। बुधवार को एक दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे बल्कि आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारियों के शांति वन परिसर का दौरा करेंगे और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार लाना इन योजनाओं का फोकस है। प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इन परियोजनाओं का मुख्य ध्यान क्षेत्र में अवसंरचना और परिवहन संपर्क को मजबूत करने पर होगा। सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं से माल और सेवाओं की आवाजाही में सुविधा होगी जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो 70 सालों से यहाँ की जनता की मांग थी कि मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ जाए, काफ़ी लोगों ने इसका प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ सांसद महोदय दिया कुमारी जी के अथक प्रयास से यह रेलवे लाइन का कार्य स्वीकृत हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन, व्यापार सब में काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को डायरेक्ट मारवाड़ मेवाड़ से अलावा साउथ से भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा, गुजरात पूरा जुड़ेगा नाथद्वारा। स्थानीय लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी मावली मारवाड़ जो रेल प्रोजेक्ट था उसको ब्रॉडगेज करके सुचारू रूप से चलाना जिससे कि मारवाड़ मेवाड़ से जुड़ा रहे और यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारियों में आपस में आदान प्रदान हो सके, इसके साथ ही जो जनता दर्शन के लिए आती है उसको भी सुगम सुविधा मिल सके। दूसरा, मेवाड़ वीरों की भूमि, राणा प्रताप की भूमि, हल्दीघाटी की भूमि यहीं पर स्थित है तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमें इससे मिलेगा। प्रधानमंत्री नाथद्वारा में श्री नाथ जी मंदिर जाएंगे और प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में भगवान कृष्ण बाल अवतार के रूप में विराजमान है। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10 मई को श्रीनाथजी दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीनाथजी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की बाल रूप की सेवा होती है। इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। ये हमारा जो मंदिर है इसको नंद राय की हवेली बोला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ दर्शन करके गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड जाएंगे। यहाँ विशाल डायमंड हॉल में सभा को संबोधित करने के साथ संस्थान द्वारा 50 एकड़ में बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीनियर सिटीजन होम के सेकेंड फेज और नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन के लिए शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय आ रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर बहनों को काफी इंतजार है, यहाँ सेवाएं में लगी हुई हैं बहनें। कुछ बहनें हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हमें बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे तो बड़े भाई हैं। गुजरात में जब आप CM रहे उस समय यहाँ मुख्यालय में आपकी 2-3 विजिट हुई थी, लेकिन PM बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं। हमारे उमंग का कोई पारावारी नहीं है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ब्रह्म कुमारीज में खास तैयारियां की गई हैं। देश विदेश में जो सेवा केंद्र चला रहे निमित्त है उन कब के दिल में इतनी शुभ भावना थी। बहुत दिन से मोदी जी को फिजिकली इधर आकर के कम दादी से भी मिले, कार्यक्रम में भी भाग लेवे, मुझे खुशी है। कल दोपहर में 2:30 तक इधर लगभग आने का प्रोग्राम है और साथ साथ में इसकी खुशी में उसके आगमन के लिए बहुत तैयारी भी हुई है। प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान देश भर में आध्यात्मिक पुनर्जागरण को गति देने पर रहा है। ब्रह्मा कुमारीज का ये दौरा उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है।
नाथ द्वारा से निशांत और माउंट आबू से गिरीश निशाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जीडी न्यूज। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में मचाए घमासान, एक बयान से कई निशाने साध गए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे पर दिए बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे है। सचिन पायलट ने 11 मई से 125 किलोमीटर की जन संघर्ष पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया। की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट के बीच अदावत थमने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट इसकी आस पिछले 5 साल से लगाए बैठे हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के उन बयानों पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने एक ओर पायलट गुट के नेताओं पर भाजपा से संपर्क होने की बात कही थी तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे को मौजूदा सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया था। पायलट ने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के नेताओं की बुराई करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं के गुणगान करते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे 2020 में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उन्होंने अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा कि जब हमारी नेता सोनिया गांधी ने अजय माकन और खड़गे को विधायकों की बैठक के लिए भेजा था लेकिन बैठक नहीं हो पाई थी, पार्टी विरोधी तो गतिविधि वही थी। उन्होंने बताया कि वे 11 मई को अजमेर से एक जनसंघर्ष पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नोकझोंक नई नहीं है लेकिन चुनावी वर्ष में दोनों के बीच एक बार फिर मतभेद सार्वजनिक मंच पर हैं। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती ये है कि वे इस भीतरघात से कैसे बाहर आए। कांग्रेस नेतृत्व के लिए सवाल ये भी है कि क्या उनके पास गहलोत की राजनीतिक चाल की कोई काट है या नहीं। जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के पहले चरण के रक्षा अलंकरण समारोह में 9 कीर्ति चक्र और 27 शौर्य चक्र प्रदान किए। 27 शौर्य चक्र में 5 मरणोपरांत और 9 कीर्ति चक्र में 6 कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. T
तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं, कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 40, 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर, तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, प्लस एफ का निशान। प्लस एफ? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की, हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे प्लस एफ के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन्स और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद प्लस एफ लोगो फ्रॉम टुडे। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं। योजना के लाभार्थी इससे काफी खुश हैं। इन योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव पर आधारित ये रिपोर्ट। नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित केंद्र सरकार की 3 जन सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं। इन योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में आज ही के दिन कोलकाता से किया था। पिछले 8 सालों में करोड़ों देशवासी इन 3 योजनाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक जीवन बीमा योजना है, जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। इस योजना के तहत बीमा धारक को 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। बीते 26 अप्रैल तक 16 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े हैं और योजना के तहत करीब 6,64,000 परिवारों को बीमा दावों के रूप में 13,290 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विभिन्न बीमा योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, ये योजनाएं अन्य गरीब लोगों के लिए बहुत लाभकारी और हितकारी रही हैं, जो बहुत ही कम प्रीमियम जमा करके और अच्छे से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। गरीब लोगों के लिए यह बीमा योजनाएँ बहुत ही हितकारी, बहुत ही लाभप्रद रही हैं। मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना दोनों 330 रुपये और 12 रुपये जो सालाना देना होता है, मैंने करा रखा है। यह प्रधानमंत्री जी की एक सराहनीय पहल है। इसमें गरीब व वंचित वर्गों के लिए, जिसके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा, उनके लिए एक बीमा की धनराशि है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। योजना के तहत बीमा धारक को 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 2,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। 26 अप्रैल तक 34 करोड़ से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ चुके हैं। इन 8 सालों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 1,15,000 से ज्यादा परिवारों के रूप में 2,302 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पति की मृत्यु के ऊपर से गिर के छत से, और उन्होंने बीमा योजना कराई रखी 330 की, है ना, उसका लाभ मुझे जो है मिला, 2,00,000 रुपए मुझे मिला था। उसके बाद जो है कैसी योजना है?
अच्छी योजना है ये योजना। हमारे 12 रुपए से स्टार्ट हुई थी, हमारे चाचा ने ले रखी थी, बहुत अच्छी योजना है। और चाचा जी की डेड हो चुकी है और फिर वो लखनऊ में डेड हो गई उनकी, वो भी हमने भी 12 रुपए से स्टार्ट करी, ये योजना बहुत अच्छी है। और अगर बात करें अटल पेंशन योजना की तो ये योजना खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। योजना के तहत 60 साल तक की उम्र तक व्यक्ति को प्रीमियम राशि भरनी होती है, फिर 60 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलने लगती है। बीते 27 अप्रैल तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग अटल पेंशन योजना से जुड़े हैं। अटल पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये बहुत अच्छी एक मुहिम है। जो बेरोजगार लोग हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर 100 रुपए से लेकर के 165 रुपए तक हर महीने कटवा रहे हैं, किसी भी बैंक में अकाउंट हो, तो उनको 60 साल बाद जितना 1000-2000 रुपए जैसी वो अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं अपना करवाएं। ये सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, अटल पेंशन योजना हर व्यक्ति की होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना बहुत सुंदर योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से। जो लोगों को पेंशन तो मिलती रहती है जो सरकारी नौकरी करते हैं, यहाँ पर तो गरीबों को भी मिल रही है, जो थोड़ा सा पैसा जमा करने के बाद जो 60 साल के बाद जो उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये कम लागत वाली बीमा योजनाएं और गारंटीड पेंशन योजना ये सुनिश्चित कर रही है कि वित्तीय सुरक्षा जो पहले कुछ चुनिंदा लोगों को उपलब्ध थी अब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे तमाम जन सुरक्षा योजनाओं के 8 साल पूरे होने पर योजनाओं के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने ट्वीट किया कि 8 साल पहले शुरू की गई जन सुरक्षा योजनाएं करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद मददगार साबित हुई हैं। उन्होंने लोगों को एक प्रभावी सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। सभी लाभार्थियों को मेरी शुभकामनाएं। और अर्थजगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट, बढ़ती महंगाई और मंदी की आशंका के बीच भारत के लिए अच्छी खबर आई है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने स्टेबल आउटलुक के साथ भारत को दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग BBB नेगेटिव की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क स्थित रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की रेटिंग दूसरे देशों की तुलना में मजबूत विकास दर और लचीले बाह्य वित्त की ताकत को दर्शाती है। दिल्ली में मंगलवार को भारतीय डाक विभाग CAIT और तृप्ता टेक्नोलॉजी के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत भारतीय डाक विभाग तृप्ता टेक्नोलॉजी के लिए छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के लिए ई कॉमर्स की सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने कहा कि आज के समय में पोस्टल सेवाओं का स्वरूप बदला है, इस बदलाव में सर्विस देने की क्षमता है। उन्होंने पोस्टल विभाग से अधिक रेवेन्यू जनरेट करने का आह्वान किया। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने कहा कि कंपनी प्लेटफॉर्म पर इनएक्टिव अकाउंट्स को हटा देगी, ऐसे अकाउंट्स जो वर्षों से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम उन खातों को साफ कर रहे हैं जिससे कई वर्षों से कोई गतिविधियां नहीं हुई हैं, इसलिए आपको संभवतः फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट दिखाई देगी। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार की शुरुआत तेजी के साथ हुई, लेकिन आखिरी घंटे में हुई तेज बिकवाली के चलते दोनों प्रमुख इंडेक्स सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 3 अंक नीचे गिरा, 61761 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.5 अंक की मामूली तेजी के साथ 18265 पर बंद हुआ है। एक छोटे से ब्रेक का है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय मर्चेंट नेवी और मरीन इंजीनियरिंग में उज्जवल करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। 6 स्थानों पर आधुनिक परिसर, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक करियर नहीं, ये अवसरों का सागर है। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय भारत सरकार के अधीन वर्ष 2023-24 के लिए प्रवेश आमंत्रित है। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खाई ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ, पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए।
फसल का कण कण पोषण पाए, नैनो यूरिया की रिमझिम फुहारे जब उर्वरता बरसाए, आविष्कारी नैनो तकनीक से भारत में बना दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। नैनो यूरिया लिक्विड को देश भर के किसानों ने दानेदार यूरिया से हर तरह से बेहतर पाया है। यह फसल को देता है बेहतर पोषण और मिट्टी पानी का घटाता है प्रदूषण। नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों, सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। Indian Maritime University brings you the most prestigious and adventurous career in Merchant Navy and Marine Engineering. With world-class infrastructure and sprawling campus at 6 locations, it's not just a career, but an ocean of opportunities. Indian Maritime University, a central university recognized by Government of India. Admissions open for 2023-24. भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एलिन कोहेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी महत्व के विभिन्न विषयों पर विस्तार से बात हुई। इजरायली विदेश मंत्री आज सुबह ही भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी भारत आया है। और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की। इस दौरान तमाम अहम मसलों पर दोनों देशों के बीच आपसी हितों को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की उपस्थिति में भारत और इजराइल के बीच जल तकनीक समेत 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद सीआईआई द्वारा आयोजित भारत इजराइल बिजनेस फोरम में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठाएंगे। I also will raise with the Prime Minister Modi the issue of the free trade agreement, which I believe that this is also can boost our relations. We will sign later today with my colleague, the Foreign Ministry, about having more employees from India in Israel. And we also would like to take this opportunity to have students from India to Israel, mainly in technology and the other industry as well. भारत इजराइल बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत और इजराइल न केवल द्विपक्षीय साझेदार हैं बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। हम प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। हम भारत इजराइल यूएसए यूएई नेटवर्क के माध्यम से जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य क्षेत्रों पर संयुक्त निवेश और नई पहलों द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकिस्तान में तेजी से हुए घटनाक्रम में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत बढ़वाने के सिलसिले में पहुंचे थे, वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सेना और सरकार से दो दो हाथ करने के बावजूद गिरफ्तारी से बचते आ रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मंगलवार को आखिरकार धर लिए गए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया। इमरान कई मामलों में जमानत बढ़वाने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे। इमरान की गिरफ्तारी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब में दर्ज अलकादिर ट्रस्ट मामले में हुई है। गिरफ्तारी के समय अदालत के परिसर में जबरदस्त बवाल हुआ। इमरान के समर्थक वकीलों और रेंजर्स के जवानों के बीच जोरदार हाथापाई हुई। इमरान समर्थकों के प्रयास के बावजूद रेंजर्स उन्हें हिरासत में लेकर वहां से निकल गए। आज जब बायोमेट्रिक के लिए वो गए तो उन्होंने कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर खान साहब को अरेस्ट किया, उनके सर पर डंडा मारा और उनको ऐसी कुछ चीज उनको स्प्रे मारी गई जिससे वो अनकॉन्शियस हो गए थे। मुझे लगता है कि वो ऐसी कुछ स्प्रे मारी गई है,
लेकिन वो उसके बाद वो गाड़ी में डाला। इमरान की गिरफ्तारी की खबर बाहर आते ही इमरान की पार्टी के लोग सड़कों पर निकलने लगे। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची सहित कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई जगह इमरान समर्थकों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर पथराव भी किया। सबसे ज्यादा ध्यान रावलपिंडी में होने वाले विरोध प्रदर्शन ने खींचा, जहां लोग सेना मुख्यालय में विरोध दर्ज कराने पहुंचे। इस बीच पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। उधर सरकार सफाई दे रही है कि इमरान को इस मामले में नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन पर तशद्दुद करने की इत्तला आ रही है दौरान गिरफ्तारी, ये किसी सूरत काबिले कबूल नहीं है। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद नैब के रावलपिंडी कार्यालय ले जाया गया, जहां उनका मेडिकल हुआ। इमरान को बुधवार को नैब की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उनकी रिमांड लेने का प्रयास होगा। इमरान खान को जिस अलकादिर ट्रस्ट मामले में पकड़ा गया है, उसमें आरोप है कि एक भू संपदा कंपनी से 50 अरब रुपए वैध करने के लिए इमरान खान और उनकी पत्नी ने अरबों रुपए हासिल किए। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुरजीत यादव नाम के सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी और केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर विभिन्न उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने के झूठे आरोप लगाए हैं। इन बयानों को विभिन्न टीवी चैनल ने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित किया है। जाहिर है आरोप का मकसद आम लोगों की नजर में केंद्र सरकार की छवि को गिराना था। ऐसे झूठे आरोपों से देश की छवि को नुकसान भी पहुंचा है। दिल्ली हाई कोर्ट बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल के बंगले के निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी का आरोप वाली याचिका पर एनजीटी ने आरोप की सत्यता की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन के प्रतिनिधि, नॉर्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को एक हफ्ते में मीटिंग कर 3 हफ्ते के अंदर जमा कराने को कहा। कहा कमेटी चाहे तो वो बंगले के मुआयना और संबंधित विभागों से बातचीत कर रिपोर्ट तैयार कर सकती है। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए टल गई है। राज्य सरकार ने सुनवाई टालने का आग्रह किया था। राज्य सरकार पहले ही आश्वासन दे चुकी है कि नई नीति के आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरी में भर्ती नहीं की जाएगी। मंगलवार को दिल्ली में भाजपा महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी महासचिव शामिल हुए। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय मुद्दे, कर्नाटक चुनाव सहित आने वाले चुनाव की चर्चा हुई। हनुमान जयंती के अवसर पर ओडिशा के संबलपुर में हुई हिंसा को लेकर भाजपा जांच दल की टीम ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड में आपताब पर आईपीसी 302 हत्या और 201 सबूतों को नष्ट करने के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो सबूत पेश किए हैं, उनके मद्देनजर आपताब पर हत्या और सबूतों को मिटाने का मामला बनता है। आपताब पूनावाला को हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 1 जून को होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को तमिलनाडु की कुछ जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर की जा रही है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें कोयम्बटूर, मदुरई, थेनी जैसे जिले शामिल हैं। इनके अलावा चेन्नई, ओटेरी और थिरुवट्टयूर में भी छापेमारी की जा रही है। इस बीच एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मदुरई क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद कैसर को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने उन्हें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पझानी से हिरासत में लिया।